नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन पढ़ते आ रहे हैं झांसी की रानी कक्षा 6 और विषय हिंदी के अंतर्गत, तो उसका ही भाग आज 4 इस वीडियो में पढ़ेंगे। झांसी की रानी कविता जो है इनकी लेखिका थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस भाग 4 में इस कविता का ये अंश है, उसके अंदर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनके लिए एक असामयिक घटना घटती है उनके जीवन में। तो उस घटना के कारण रानी शोक मग्न हो जाती हैं। तो वो किस प्रकार से घटना घटती है तो वो इस भाग 4 में बताया गया है, आइए पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजाली छाई। यानी इस पंक्ति का आशय यह है कि उदित हुआ सौभाग्य, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह हो गया झांसी के राजा से तो उनका सौभाग्य उदय हो गया। मुदित महलों में उजाली छाई, मुदित महलों में उजाली छाई, यानी उस झांसी के महल के अंदर खुशियाँ खुशियाँ आ गई, चारों तरफ खुशियों का प्रकाश फैलने लगा, चारों तरफ उजाली छा गई कि रानी जो एक वीरता के गुण को समाहित किए हुए और झांसी की एक महारानी बन गई थी, तो उनका भी सौभाग्य उदित हुआ और महलों के अंदर भी उजाली छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन कुछ समय बाद उस महल के अंदर, झांसी के महल के अंदर काल गति यानी समय चक्र जो था, उस समय चक्र के कारण धीरे धीरे एक काली घटा घेर लाई। यानी एक ऐसा समय आया जिसके अंदर झांसी की रानी के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई, काली घटा घेर लाई। काली घटा का मतलब संकट के बादल छा गए थे, यानी ऐसा समय चक्र आया जिससे उस झांसी के महल पर संकट के बादल छा गए थे। काली घटा का मतलब है यहाँ पर संकट का जो समय है वो आ गया था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब पाई। तो झांसी की रानी जो बचपन से ही वीरता के खेल खेला करती थी, जिसने तलवार चलाना सीखा, धनुष चलाना सीखा, तीर चलाना सीखा, तो उनके हाथों में चूड़ियाँ किस प्रकार रह सकती हैं। तो वही बात इसमें कही गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कि तीर चलाने वाले कर में, यानी जिस हाथों से तीर चलाए जाते हैं, कर यानी हाथ, कि जिस हाथों से तीर चलाए जाते हैं उसे चूड़ियाँ कब आई। यानी कहने का मतलब यह है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके हाथों में चूड़ियाँ किस प्रकार शोभायमान हो सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ तो जो तीर जो युद्ध के अंदर जो हथियार होते हैं उनको चलाने वाले होते हैं, तो इस प्रकार से उनको चूड़ियाँ किस प्रकार बा सकती हैं। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। तब रानी विधवा कैसे हो गई, रानी विधवा ऐसे हो गई कि झांसी के महल पर मुगल ने चारों तरफ से घेर लिया था और राजा तो जो थे तो वो राजा इनके पति वो युद्ध में धोखे से मारे गए थे। तो चारों तरफ से जब महल को घेर लिया और राजा जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रानी विधवा हो गई। विधि को भी नहीं दया आई। तो इस प्रकार जो विधि विधान था उसको भी इस पर दया नहीं आई कि किस प्रकार निसंतान राजा स्वर्ग लोग पहुंच गए और ये विधि जो समय था उसको भी दुख नहीं हुआ, विधि को भी दया नहीं आई।
यानी जो प्रक्रिया थी, जिस प्रकार रानी विधवा हो गई तो उस समय उसको भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। तो इस प्रकार राजा जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो रानी विधवा हो गई और राजा निसंतान मरे थे, यानी रानी के राजा के कोई भी संतान नहीं हुई थी और निसंतानी वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके कारण रानी शोक समानी हो गई, रानी जो थी वो शोक में डूब गई और बहुत ही उन्हें ये घटना झेलनी पड़ी। ये दुख रानी का बहुत ज़्यादा था कि एक राजा की मृत्यु जो बिना संतान के हो गई और रानी विधवा हो गई। तो ये सब बातें बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुख से इस प्रकार की ये बातें, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो हुआ उसको हम सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो वीरता की देवी थी और वह अंग्रेज़ों के साथ मर्दों की तरह उन्होंने युद्ध किया था। तो इस प्रकार से झांसी वाली रानी थी जिनका ये घटनाक्रम हुआ। जब शादी हुई तो बहुत ही उनका सौभाग्य उदित हुआ था और उदित महलों में उजियाली छा गई थी। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी बनकर झांसी के अंदर आई तो महलों में उजियाली छा गई थी, किंतु समय का चक्र ऐसा हुआ कि उस झांसी के महल पर संकट के बादल छा गए। तीर चलाने वाले कर में उस चूड़ियाँ कब आई, यानी झांसी की रानी जो थी उसके हाथों में चूड़ियाँ शोभायमान नहीं हो सकी। अंत में वह रानी विधवा हो गई, क्योंकि उनके हाथों में तो जो हथियार थे वही चल सकते हैं, चूड़ियाँ उनके लिए शोभायमान नहीं हो सकी। ये विधि को भी दया नहीं आई और निसंतान मरे राजा जी जो थे वो निसंतानी मृत्यु को प्राप्त हो गए और रानी शोकमग्न हो गई। ये सब बातें बुंदेलखंड के हर लोगों से सुनते हैं। बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो हमें इस कहानी को सुनाते हैं। और ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो दुश्मनों के विरोध में मर्दों की तरह लड़ा करती थी। तो इस प्रकार ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और बार बार इस कविता को पढ़ेंगे तो ताकि आपको याद भी हो जाए और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी मालूम पड़ जाए और उनके अंदर क्या क्या गुण थे वो गुण भी आप इसमें देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में अपन आगे की वीडियो में दूसरा भाग लेंगे। धन्यवाद।